सुनना स्टूडेंट पहले, तो देखो इसमें से लगभग 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एन एरे में। तो देखो सबसे देखो पहला क्वेश्चन होता है, मैं थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पर, मेमोरी एलोकेशन। सबसे पहला क्वेश्चन होता है मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। मेमोरी एलोकेशन में आपका आता है सबसे फर्स्ट रो वाइज, सेकंड होता है कॉलम वाइज। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें 100%, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आज मैं इसी को कराने वाला हूं, ठीक है। सेकंड होता है 1D एरे फंक्शन, 1D एरे फंक्शन 3 मार्क्स। नंबर थर्ड होता है 2D एरे फंक्शन, 2D एरे फंक्शन 2 मार्क्स। एंड लास्ट वन इज जो कन्वर्ट करने वाला आता है प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स, पोस्टफिक्स टू प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स एंड पोस्टफिक्स टू प्रीफिक्स, ये आपका आता है 2 मार्क्स का। तो इस तरीके से ये आपका 10 मार्क्स का आपका बोर्ड में आता है क्वेश्चन। तो 3 मार्क्स वाला तो स्टूडेंट इतना इजी क्वेश्चन है, आज मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा तो ध्यान से देखिएगा, है ना, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा आप इनको ध्यान से देखिएगा भैया। अब देखो स्टूडेंट, तो सबसे फर्स्ट स्टार्ट होता है मेमोरी एलोकेशन, आज मैं वन डायमेंशनल एरे और मेमोरी एलोकेशन इन दोनों क्वेश्चन को कराऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन में स्टूडेंट जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमारा 2 डायमेंशनल एरे है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एरे होता क्या है। तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप वेरिएबल्स, या पढ़ चुके हैं, सिमिलर का मतलब क्या है, सेम टाइप के। जैसा नहीं है कि एक मान लो फ्लोट का हो गया, दूसरा इंटीजर का हो गया, तीसरा कैरेक्टर टाइप का हो गया, ऐसे नहीं होता है। तो ये स्टूडेंट ढाका जी सीएस की क्लास है, 240 पर स्टार्ट होंगी आपकी आईपी की क्लास, ठीक है। तो देखो एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप वेरिएबल्स, सिमिलर डाटा टाइप वेरिएबल्स का कलेक्शन होता है कोई भी एरे। अब इसमें एरे स्टूडेंट जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी तक हम कोई प्रोग्राम वगैरह कोई क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें एक देखो वेरिएबल ऐड कर लिया, 2 वेरिएबल ऐड कर लिए, 3, 4, 5 लास्ट, ठीक है। बट अगर मान लो किसी भी प्रोग्राम में 100 वेरिएबल्स अगर मुझे ऐड करने हैं, तो मुझे 100 वेरिएबल्स ऐड करने पड़ेंगे, उन्हें मैनेज करना, उन्हें इनपुट करना, बहुत सारा टिपिकल काम है कि नहीं। तो इसीलिए हम किसका यूज करते हैं, एन एरे का यूज करते हैं। तो एक एरे क्या होता है, ये दो तरीके के होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है 1D एरे, इट मींस 1 डायमेंशनल एरे। कौन सा होता है पहला होता है 1 डायमेंशनल एरे। 1 डायमेंशनल का एरे का मतलब है कि जिसे हम हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल उसके एलिमेंट्स को दिखा सकते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, या फिर तीसरी फॉर्म होती है आपकी डायगोनल, 3 मतलब एक ही एक्सिस में दिखा सकते हैं। एक ऐसा एरे जिसको एक ही एक्सिस में दिखा सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, 1 डायमेंशनल एरे बोलते हैं, ठीक है। सेकंड वन इज जिसे रो और कॉलम्स की फॉर्म में दिखा सकते हैं, आपने 12th में पढ़ी होगी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट औरंगा जी, मैट्रिक्स होती है जिसको हम किस फॉर्म में दिखा सकते हैं, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, इट मीन जिसे रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में दिखाया जा सकता है। इट मीन 2 एक्सिस में, 2 एक्सिस मींस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्सिस एक्स को क्या बोलते हैं, हम यहाँ पर रोज बोलते हैं, रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इस तरह से, ठीक है ना। जिसे रोज रोज और कॉलम्स की फॉर्म में दिखाया जा सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल एरे बोलते हैं। आज हम जो मेमोरी एलोकेशन वाला क्वेश्चन कराने वाले हैं 3 मार्क्स वाला, और कल परसों में आपका 2 दिन और चल के एरे ये समाप्त हो जाएगा इसी 3 दिन। अब क्लास डेली चलेंगी आपकी, ठीक है। फिर अब देखिए आज मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ वह मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन मीन्स जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका एड्रेस दिया हुआ, फर्स्ट वेरिएबल का एड्रेस दे रखा है। अब आपको पता है कोई एरे है, एरे में जितने मान लो ये आपकी 3x3 की मैट्रिक्स है, इट मीन 9 एलिमेंट्स आर देयर। इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं, 9 एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। अब इन देखो एलिमेंट्स को क्या मिलता है, एक आपकी मेमोरी मिलती है। क्या मिलती है बेटा, मेमोरी मिलती है। जो मेमोरी जो मिलती है वो मिलती है सीक्वेंस वाइज मिलती है। सीक्वेंस वाइज मतलब
अगर मान लीजिए इंटीजर का है तो मैंने इंटीजर में आपको बताया था कि टू टू बाइट्स मिलता है, टू टू बाइट मिलता है ना, मैंने उसमें बताया था इनहेरिटेंस में टू टू बाइट्स की मेमोरी मिलती है इंटीजर में। अगर मान लो इसको 100 बाइट मिली तो आगे की सीक्वेंस वाली बाइट्स इसके अंदर मिलेगी और फिर उसके बाद फिर इसको मिलेगी, इस तरीके से सुमन चलती जाएगी। अब मान लो मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है, या तो रो वाइज होता है, रो वाइज मतलब पहले पहले एलिमेंट्स की ऐसे ट्रैवलिंग होगी, ट्रैवलिंग कैसे होगी, रो वाइज होगी। कॉलम वाइज में क्या होता है, कॉलम वाइज चलता है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए फर्स्ट एलिमेंट, अगर फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस 100 है, कितना एड्रेस है 100 है पहले एलिमेंट का, या मान लो कुछ और है जो भी कुछ है, बताओ इस वाले एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा। तो आप छोटी मैट्रिक्स में तो फाइंड आउट कर सकते हैं भाई, इसको अगर टू टू बाइट्स मिल रही है तो 100 इसका हो गया, 102 इसका हो गया, 104 इसका हो गया, और 4 का 6 8 10 12 और 14 16 कितना होगा इसका एड्रेस, 116 होगा। ये तो आपने छोटी सी मैट्रिक्स में पता कर लिया। बट अगर ये बहुत बड़ी मैट्रिक्स हो, 100 by 100 की मैट्रिक्स हो, 200 by 250 की मैट्रिक्स हो, इस तरह की अगर मैट्रिक्स हो, बहुत बड़ी मैट्रिक्स हो, अखिल चौधरी, हाँ बेटा कोई बेटा दिक्कत है, देखिए स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर रो वाइज, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो फॉर्मूला होते हैं आपके, रो वाइज और कॉलम वाइज। इट मीन ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो एक ही फॉर्मूला को आपके दो फॉर्मूला हो जाता है, ये पक्का ही आना ही आना है 100%। इसमें क्या है कि अब मान लो एक का एड्रेस दिया हुआ है और बाकी किसी का भी एड्रेस पूछ सकता है, ये क्वेश्चन होता है सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रेवलिंग होती है स्टूडेंट, वो दो अलग मेथड से होती है, ना तो वो रो वाइज होगा या कॉलम वाइज होगा, ठीक है। तो पहला मेथड हम निकालते हैं रो वाइज। क्वेश्चन समझना बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, खाली फॉर्मूला से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो पहले में क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन में, कि अगर हम रो वाइज चलते हैं, क्या चलते हैं, हम रो वाइज अगर हम चल रहे हैं, किससे चल रहे हैं, रो वाइज अगर हम चल रहे हैं, तो उस वाले केस में किस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, कि फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई होगा यहाँ पर, देखो सुनना फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई होगा। नंबर फर्स्ट इसका फॉर्मूला होता है बेस एड्रेस प्लस, अगर रो वाइज अगर हम चल रहे हैं, देखना अगर इस तरीके से मैट्रिक्स गिवन है, इस तरीके से, इस तरह से 1 5 7, ठीक है, 9 11 13 15 17, जो भी कुछ लिखना चाहे वो एलिमेंट मैंने लिख दिए। मान लो इसका एड्रेस कितना है, और इसमें मान लीजिए 100 एड्रेस है, आप इसमें क्या चलते हैं, ऐसे चलते हैं, इस तरह चलते हैं, ठीक है। तो एक लाइन में कितनी बार चलेगा, जितने कॉलम्स होंगे, इसीलिए यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, यहाँ पर क्या आता है साइज, क्या आता है साइज, यहाँ पर क्या आता है नंबर ऑफ कॉलम्स, शॉर्ट में लिख देता हूं नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ आता है डिफरेंस बिटवीन रोज, लास्ट तक रहना ये समझ में खुद आ जाएगा अपने आप ही, कुछ नहीं है इसमें, डिफरेंस बिटवीन कॉलम, ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला है इसका। अब इसी को लेते हुए सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे रो वाले मेथड, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन देता हूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है ए 100 100, कितनी की मैट्रिक्स है ए 100, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ए 100 और 15, इतने की मैट्रिक्स है, ए 100 और 105 की मैट्रिक्स है। अब बताओ मुझे नंबर ऑफ रोज कितनी होगी इसमें, पहला वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रोज रिप्रेजेंट करता है, ये हो गया नंबर ऑफ रोज, शॉर्ट में लिख दिया, ये क्या होगा नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है ना, ये हो गया नंबर ऑफ कॉलम। अब मान लीजिए एक आपको मैट्रिक्स गिवन है ए 100 और 105 की, इसमें आपको क्या करना है, अगर इसका बेस एड्रेस गिवन है, बेस एड्रेस गिवन है 100 एंड साइज का, साइज मतलब डब्लू, कितनी बाइट ऑक्यूपाई करता है, और इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑक्यूपाई 4 bytes, कितनी bytes ऑक्यूपाई कर रहा है, 4 bytes ऑक्यूपाई कर रहा है, तो देन क्या फाइंड आउट करिए, ए 50 का एड्रेस फाइंड आउट करिए,
ये क्वेश्चन है वाली केबिन। अब इस पर अप्लाई कैसे करेंगे? इस पर आपको पता है बेस एड्रेस कितना दिया हुआ है 100 प्लस साइज कितना दे रखा है, कितनी बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है 4 मल्टीप्लाई। इसके बाद में नंबर ऑफ कॉलम्स बताओ, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? कितने नंबर ऑफ कॉलम्स इस मैट्रिक्स में? 105 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किया मैंने डिफरेंस बिटवीन रोज। अब आपको पता है अगर मैं स्टार्टिंग नहीं दे रखी होती है तो मैं रो की स्टार्टिंग कहां से मानता हूं भाई? अगर मुझे 100 मैं कहां से लगाऊंगा? 0 से लेकर 99 तक। ऐसे कॉलम में भी लूप कहां से लगाऊंगा? 0 से लेकर 104 तक। तो यार ये लूप कहां से लगेगा? 0 से लेकर 99, और ये कहां लगेगा? 0 से लेकर 104। अब मुझे एड्रेस किसका निकालना है? 50-50 का एड्रेस निकालना है। इसका मतलब है मैं 0-0 से चला, फिर रो वाइज में क्या चलते हैं? चलते हैं ना रो वाइज चलते हैं ऐसे। अब मुझे कहां से चलना है? 0 से चलकर 50 रो तक आना है, और 0 कॉलम से चल के कितने कॉलम तक आना है? 50 तक आना है। तो उसने कितना कितना आगे कितने स्टेप चले? डिफरेंस बिटवीन रो, किस रो से चलना स्टार्ट किया? 0 से। बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग कहां से? 0-0 से। कुछ क्वेश्चंस में स्टार्टिंग दे दी जाती है, 1-1 दे दिया, 2-2 दे दी, 4-4 दे दी, बट अगर आपको स्टार्टिंग नहीं दे रखी है तो हम कहां से मानेंगे स्टार्टिंग? 0 से मानेंगे। कहां से मानेंगे? 0 से। अब यहां क्या आ रहा है? डिफरेंस बिटवीन रोज, तो इट मीन 0 से लेकर कहां तक चलना है? किसका एड्रेस निकालना है? 50 का। रो वाइज में क्या होता है? यहां से चलते रहे, यहां चलते रहे, कब तक चलेंगे? जिसका एड्रेस निकालना है वहां तक पहुंचना जाए। तो ऐसे डिफरेंस बिटवीन रोज क्या होगा? 50-0। ऐसे डिफरेंस बिटवीन कॉलम्स क्या होगा? कहां से चलना है मुझे? 0 से। कहां तक चलना है? 50 तक। क्या करेंगे? 50-0। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अब यहां देखिए 100 प्लस 4 मल्टीप्लाई, यहां कितना आएगा? 105 का पहले मल्टीप्लाई करना ना 50 में, ठीक है। फिर उसके बाद इसको किससे जोड़ देंगे? 50 से जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहां 100 प्लस 4 मल्टीप्लाई, अब यहां पर इसका अगर मैंने मल्टीप्लाई किया कितना आने वाला है स्टूडेंट? यहां देखिए 0, ठीक है, कितना आया? ये आ गया इतना। जितना भी आया इसको सॉल्व कर लेंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये जो लास्ट में भी आंसर आएगा एक्स वाई जेड जो भी आ रहा है उसको किस में लिख देंगे? बाइट्स में लिख देंगे, ठीक है ना? एक्स वाई जेड बाइट्स जितना भी। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा? फिर ऑडियो भी क्लिक कि हाउ वी फाइंड द एड्रेस ऑफ एनी एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू रो वाइज मेथड, अकॉर्डिंग टू रो वाइज मेथड। फिर आप सुनो दोबारा, फिर इसके बाद कॉलम वाइज कराऊंगा। आज का टॉपिक यही रहेगा, पहले ढंग से समझ लो। अब देखो रो इट मींस इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आपको मैट्रिक्स गिवन है और उसका फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस आपको गिवन है, आपको किसी अनदर एलिमेंट का एड्रेस फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो अब उसके दो मेथड होते हैं, फर्स्ट वन इज रो वाइज, सेकंड वन इज कॉलम वाइज। कॉलम वाइज तो चलने का तरीका होता है, इसका रो वाइज इस पर चलने का तरीका होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? बेस एड्रेस प्लस साइज, साइज मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑक्यूपाई हाउ मेनी बाइट्स, कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है। 4 बाइट को वहां पर गिवन रहेगा, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं। 8 बाइट्स कितनी बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है। नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए, क्या हो गए स्टूडेंट? नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए। फिर इसके बाद में डिफरेंस बिटवीन रोज, डिफरेंस बिटवीन कॉलम्स, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्वेश्चन करा दिया रो वाइज का। अब हम किसका कराऊंगा क्वेश्चन? आपको कॉलम वाइज का क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। अब देखना स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल है कॉलम वाइज भी। कॉलम वाइज में आप देखना, रो वाइज तो आपको मैंने करा दिया कंप्लीट, अब इसमें कॉलम वाइज, और फिर एक दो क्वेश्चन इसके बोर्ड बोर्ड वाले क्या, मैं आपको अपने आप ही क्वेश्चन करा दूंगा। सेकंड मेथड आता है कॉलम वाइज। कॉलम वाइज में अखिल चौधरी किस तरह प्रोसीड करते हैं? इस तरीके से ऐसे चलता है, ऐसे एडमी पहले फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम, फिर फोर्थ कॉलम, इस तरीके से प्रोसीड होता है, ठीक है। सेकंड जो बात आती है स्टूडेंट, थोड़ा सा ध्यान देना इसमें कि कॉलम वाइज का आपका फॉर्मूला क्या होता है। कॉलम वाइज का फॉर्मूला रो वाइज के फॉर्मूले से थोड़ा सा अलग है। कैसे? फॉर एग्जांपल बेस एड्रेस प्लस साइज, प्रत्येक एलिमेंट का साइज मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई साइज थोड़ा देख लेना क्या आता है, डिफरेंस बिटवीन
डिफरेंस बिटवीन रोज प्लस, अब देखो यहां और क्या अंतर है, अगर वहां का मैं देखता हूं तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, नंबर ऑफ कॉलम्स का मल्टीप्लाई पहले वाले में रोज में हो रहा था, अब यहाँ क्या होगा, नंबर ऑफ रोज का मल्टीप्लाई किसमें होगा, डिफरेंस बिटवीन कॉलम्स में होगा, बस इतना अंतर है, बाकी सब सेम, डिफरेंस बिटवीन कॉलम्स थोड़ा दिखाई देगा वो, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कॉलम्स। देखो अगर मैं पुराना वाला फॉर्मूला लिखता हूँ रो वाइज का क्या था फॉर्मूला, मैं लिख देता हूँ, बेस एड्रेस प्लस साइज मल्टीप्लाई डिफरेंस नंबर ऑफ कॉलम्स मल्टीप्लाई डिफरेंस बिटवीन रोज, ठीक है, प्लस डिफरेंस बिटवीन कॉलम्स, ये फॉर्मूला था हमारा किसका, ये था हमारा रो वाइज का, किसका था रो वाइज, ये किसका है कॉलम वाइज, ठीक है स्टूडेंट, तो ये इस तरीके से दोनों पर, तो बहुत छोटा सा डिफरेंस है इसमें, डिफरेंस क्या है, यहाँ पर देखिए रो वाइज में नंबर ऑफ कॉलम्स का मल्टीप्लाई डिफरेंस बिटवीन रोज से हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है नंबर ऑफ रोज का मल्टीप्लाई डिफरेंस बिटवीन कॉलम्स, ठीक है ना, दोनों में अंतर ये है, बस 3 मार्क्स इसी के, कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो अब मैं क्वेश्चन किसका कराने वाला हूँ, कॉलम वाइज का कराने वाला हूँ, लेट मान लीजिए कि एक कोई मैट्रिक्स गिवन है ए 50 50, कोई मैट्रिक्स गिवन है, स्टोर इन मेमोरी अलोंग विद कॉलम, ए 50 50 की मैट्रिक्स अलोंग विद कॉलम स्टोर है, तो अलोंग विद कॉलम का मतलब है कौन सा फॉर्मूला लगा, फर्स्ट फॉर्मूला विल बी अप्लाई, ठीक है ना, पहला कॉलम हमारा पहला फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो पहले फॉर्मूले में अब अगर मान लीजिए उसका बेस एड्रेस गिवन है, सब कुछ आपको गिवन होगा, मान लीजिए 100 है, क्या दिया हुआ, चलो हम कुछ और मान लेते हैं 150 मान लेते हैं, ठीक है, अब आपको एंड साइज दिया हुआ है, प्रत्येक एलिमेंट ऑक्यूपाई कर रहा है मान लीजिए 2 bytes, कितनी bytes ऑक्यूपाई कर रहा है 2 bytes, फाइंड द मेमोरी ऑफ ए 25 and 20, इसकी मेमोरी मुझे फाइंड आउट करनी है, समझो पहले A50 50 की कोई मैट्रिक्स है, A50 50 की उसकी बेस एड्रेस कितना दे रखा है 150 दिया हुआ है, साइज कितना दिया हुआ है, प्रत्येक एलिमेंट कितनी ऑक्यूपाई कर रहा है बाइट्स 2 bytes ऑक्यूपाई कर रहा है, A 25 और 20 का एड्रेस हमें फाइंड आउट करना है, और ये किसके अकॉर्डिंग है अलोंग विद कॉलम, तो हाउ वी अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे, बेस एड्रेस कितना दिया हुआ है 150, पहले फॉर्मूला लिखना है फिर उसका सॉल्व करना है, साइज कितने बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है 2 bytes, डिफरेंस बिटवीन रोज, अब डिफरेंस बिटवीन रोज कैसे निकालते हैं, हम कहां से निकालेंगे, इसे 0 से लेकर 49 भाई, बाय डिफॉल्ट अगर आपको स्टार्टिंग नहीं दे रखी है, इन दिस केस आपको स्टार्टिंग नहीं दे रखी है, और ये मैट्रिक्स गिवन है ए 50 50, क्या दे रखा है स्टूडेंट ए 50 50, तो हम यहाँ क्या करेंगे 0 से लेकर 49 कर देंगे, ठीक है, इसको भी कर देंगे 0 से लेकर 49, समझ आ गया ना, अब देखो यहाँ क्या आएगा, हाँ बोलो बोलिए स्टूडेंट, हेलो आ रहा है समझ में, यस सर, वेरी गुड वेरी नाइस, देखो अब देखो यहाँ क्या है, डिफरेंस बिटवीन रोज, तो देखो उसे 0 से लेकर कहां तक प्रोसीड होना है, किसका एड्रेस निकालना है 25 का, तो डिफरेंस बिटवीन रो मतलब उसने चलना कहां से स्टार्ट किया, तो चलना तो ए 0 0 से स्टार्ट करेगा ना भाई, देखिए यहां से स्टार्टिंग करेगा शुरुआत से, अब देखो ये तो कॉलम वाइज है, यहां से स्टार्टिंग करेगा, स्टार्टिंग कहां से की, उसने 0 0 से स्टार्टिंग की, कहां से स्टार्टिंग की 0 0 से, 0 0 जीरो रो और 0 कॉलम से स्टार्टिंग की, कहां तक पहुंचना है उसे, जब तक 25 25 में मिल जाए, इसमें ए 25 25 में मिल जाए, तो हम क्या करेंगे माइनस, यहाँ माइनस करेंगे 0 0, तो क्या करेंगे 25 माइनस, बताओ स्टूडेंट 25 माइनस 0 0 प्लस नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें, नंबर ऑफ रोज कितनी है स्टूडेंट 50, कितनी रोज है पूरी मैट्रिक्स में 50 है, 50 मल्टीप्लाई डिफरेंस बिटवीन कॉलम, डिफरेंस बिटवीन कॉलम कोई सेम पोजिशन,
कि जीरो से चल के कहां तक पहुंचना है, उसे 20 तक पहुंचना है। 20 माइनस जीरो, 20 माइनस। अब बताओ अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 150। अब मैंने जो आपको 2-3 साल के पेपर दिए थे स्कूल में, उनके क्वेश्चन सॉल्व करना या मेमोरी एलोकेशन वाले, और आपस में शेयर करना कि आंसर ठीक है कि नहीं, या फिर मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अब देखिए 2 × 25 + यहां देखते हैं 50 × 20, ठीक है बेटे, ओके। 150 + 2 × पहले इसको सॉल्व करेंगे, किसको सॉल्व करेंगे इसको, 100 हो, ये कितना हो गया 1025, ओके। पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसमें ऐड करेंगे, मैथमेटिक्स तो आपको पता ही है इतना, है ना, बोर्ड मास। अब इसके बाद में कितना हुआ इसका 2050, इसमें जैसे प्लस करेंगे कितना आएगा 2 1, कितना आएगा 0 0 0, 5 हो गए 0, अब इसका कितना आएगा 2, तो कितना हो गया स्टूडेंट 220 bytes, कितना आंसर आ गया bytes, कितना हो गया इसका हाफ मार्क्स होता है इसमें, इतना आंसर आ गया अकॉर्डिंग टू कॉलम वाइज मेथड, ठीक है। ये जो क्लास है वो 12th A वालों के लिए सिमिलर है, ठीक, ओके। तो इस तरीके से ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, क्लियर हो गया बेटा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, उसके बाद फिर आज की क्लास यही हम करेंगे पूरी। आज का टॉपिक 3 marks का है, ऐसे कर लेना ध्यान से, जितने पेपर दिए हैं मैंने क्वेश्चन भेजे हैं उनमें से क्वेश्चन करना, ठीक है। अब देखो अब हम आते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हाँ एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं इसको रिवर्स करूंगा, रिवर्स मतलब बेस एड्रेस नहीं दिया हुआ होगा, किसी और का एड्रेस दे रखा होगा, तो हमें फिर उससे हमें क्या निकालना है, बेस एड्रेस निकालना है। सर एक 100 102 का कोई मैट्रिक्स है, कितनी, चलो 100 मान लेते हैं, चलो थोड़ी एक छोटी सी मैट्रिक्स ऐड कर लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगी। 8 10 10, ये 10 10 ही कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, 8 10 10, ओके। एंड ईच एंड एवरी, और ये रो वाइज हमारे फिक्स है, किस वाइज फिक्स है बेटा, रो वाइज अलोंग विद रो, तो रो वाइज में कौन सा आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा, रो वाइज में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा जो लिखा है। एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑक्यूपाई 2 bytes, कितना ऑक्यूपाई कर रहा है ईच एंड एवरी एलिमेंट, 2 bytes ऑक्यूपाई कर रहा है, तो देन साइज विल बी, देन साइज विल बी 2 bytes, 2 bytes का साइज होगा। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि आपको बेस एड्रेस फाइंड आउट करना है, क्या करना है, बेस एड्रेस फाइंड आउट करना है, एंड ऑल्सो फाइंड द एड्रेस ऑफ A55, ठीक है, ऑल्सो फाइंड द एड्रेस ऑफ, ऑल्सो फाइंड द एड्रेस ऑफ A55 का एड्रेस फाइंड आउट करना है और बेस एड्रेस भी फाइंड आउट करना है। अगर मुझे जो एड्रेस दिया हुआ है A52 का एड्रेस, मान लो मुझे दिया हुआ है कितना 100 दिया हुआ, तो हमें क्या, देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा समझना, दो तरीके तो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला तो सिंपल वाला जो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, दूसरा क्या है आपका कि यहां पर दूसरा क्वेश्चन कैसा है, दूसरा क्वेश्चन हमारा रहता है दूसरा क्वेश्चन हमारा सिंपल कि यहां पर हमें क्या क्या गिवन है, यहां पर हमें बाकी सब चीजें गिवन है, पर हमें क्या चीज दी हुई है कि यहां पर एक तो बेस एड्रेस भी गिवन है, बेस एड्रेस के साथ साथ अदर चीजें भी दी गिवन है, बेस एड्रेस भी गिवन है और किसका एड्रेस निकालना, A55 का एड्रेस निकालना, और मुझे क्या चाहिए A52 का एड्रेस, मान लो अगर 100 है तो क्या है 100 है तो A52 का एड्रेस अगर 100 है तो उस केस में आपको सबसे पहले बेस एड्रेस निकालना पड़ेगा, बेस एड्रेस निकालते ही ये क्वेश्चन कैसा बन जाएगा, पहले की तरह हो जाएगा जो मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन कराया था। भाई इस क्वेश्चन और पुराने क्वेश्चन में क्या अंतर है, यही तो अंतर है कि अगर मैं बेस एड्रेस फाइंड आउट कर लू, कितना हेल्प ऑफ ये इन दोनों की हेल्प से बेस एड्रेस फाइंड आउट कर लू, तो ये क्वेश्चन कैसा बन जाएगा, पुरानी की तरह बन जाएगा कि बेस एड्रेस दे देना और मुझे A55 का एड्रेस निकालना है। तो अभी इस लाइन को आप भूल जाओ,
कि मुझे ए फाइव फाइव का एड्रेस निकालना है, सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मुझे बिजनेस एड्रेस फाइंड आउट करना पड़ेगा। वैसे इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी होती है, कुछ बच्चे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एड्रेस निकालेंगे, किसका, बेस एड्रेस। कैसे निकालते हैं, रो वाइज का फॉर्मूला होता है। अब मुझे ये दिया हुआ है, पहले तो हम इसको निकालते थे, अब मुझे ये गिवन है, बेस एड्रेस निकालना है, उससे समझना। तो मैंने इसको और इसको लेते हुए, दोनों को लेते हुए, ठीक है, मुझे 100 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, मुझे 100 गिवन है, ठीक है, और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, बेस एड्रेस फाइंड आउट करना है। समझो क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझो थोड़ा सा। ये दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते बोर्ड में, या तो सिंपल पूछा जाएगा, सब कुछ गिवन है, बेस एड्रेस भी गिवन है, खाली उसका एड्रेस निकाल दो। सेकंड क्या होता है कि इसका एड्रेस गिवन है और बेस एड्रेस निकालो, फिर एक दूसरे का एड्रेस निकालो। तो पहला हमारी प्रायोरिटी क्या होती है, बेस एड्रेस निकल जाए, बेस एड्रेस निकलते भी इसका एड्रेस भी निकल जाएगा तुरंत। तो क्या गिवन है, हमें 100 गिवन है, 100 इक्वल्स टू बेस एड्रेस प्लस साइज कितना गिवन है स्टूडेंट, 2 bytes, रो वाइज है, रो वाइज मतलब ये मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स, इसको कितना मान लेंगे, 0 से 9, 0 से 9। इटमीन जब स्टार्टिंग नहीं दे रखी होती तो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग कहां से मान लेते हैं, हम 0 से मान लेते हैं, आपको पता होगी। अब देखिए यहां पर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 10 है ना, कितने कॉलम्स है टोटल मैट्रिक्स में, तो मेन आपकी मैट्रिक्स है 10 कॉलम्स है, क्या करेंगे हम, 10 मल्टीप्लाई, ओके। फिर क्या दिया हुआ, डिफरेंस बिटवीन रोज, इटमीन 0 से चल के कहां तक पहुंचा वो, 5 तक, हम किसको लेंगे कंसीडर, किसको करेंगे इसको, अभी इस वाले को तो भूल जाओ, इसके और इसके बीच की बात चल रही है। तो यहाँ 0 से लेकर वो कहां तक पहुंचा, 5 तक पहुंचा, ठीक है ना। अब यहाँ डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 माइनस 0 प्लस डिफरेंस बिटवीन कॉलम्स, तो 0 से लेकर कहां तक पहुंचा, 2 तक पहुंचा, कहां तक पहुंचा, 2 तक पहुंचा, ठीक है, 2 तक पहुंचा, क्या करेंगे, 2 माइनस 0, ओके। अब मान लीजिए मैंने यहाँ सॉल्व किया इसको, 100 प्लस बेस एड्रेस प्लस 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, अब इसका हो गया आपका 50 और ये हो गया 50 प्लस 2। कोई स्टेप इसमें कम मत करना, आपको एक स्टेप में एक एक सॉल्यूशन दिखाना है, ठीक है। 52 ये हो जाएगा 104, यहाँ इसको अगर माइनस किया बेस एड्रेस से, क्या आ गया, 100 माइनस 104 माइनस 4, ये मैंने अपना क्वेश्चन मान लिया था, इसलिए माइनस में आंसर आ रहा था, तो माइनस में आता नहीं है, ठीक है, मैंने अपना क्वेश्चन माना खुद, तो माइनस में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैंने लेट किया, ठीक है, क्या आ गया, -4 byte, ठीक है, -4 bytes आ गया। अब ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन बन गया, पहले वाला क्वेश्चन बन गया, बेस एड्रेस दिया हुआ है, साइज दी हुई है, मैट्रिक्स दी हुई है, मुझे एड्रेस किसका निकालना है, इसका एड्रेस निकालना है, आ गया ना समझ में, बेस एड्रेस मेरा कितना आ गया, 4 bytes। तो ये क्वेश्चन अब किसकी तरह काम करेगा, पहले वाले क्वेश्चन की तरह काम करेगा। तो कैसे करेगा स्टूडेंट, अब आपको याद रखना कि मेरा बेस एड्रेस निकला है -4, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को तो यहां निकाल देते हैं, इधर निकाल देते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, बेस एड्रेस कितना आ गया, -4, ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूं, आप याद रखना बेस एड्रेस -4 bytes आया, ठीक है, -4 bytes, ओके, ठीक बेटा, -4 bytes, ठीक है, -4 bytes हो गया, -4 bytes, ठीक, इक्वल्स टू -4 प्लस क्या है, साइज कितना दिया हुआ है, 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 10। अब यहाँ डिफरेंस बिटवीन रोज, इसका मतलब है वो 0 से लेकर कहां तक चलेगा, 5 तक। अब हमें इससे मतलब नहीं है, अब किससे मतलब है, इससे, ठीक है ना, जिसका निकालना होता है एड्रेस जिस एलिमेंट का, वहां से लेकर वहां तक चलाते हो, ठीक है, कितना आएगा यहाँ पर, 5 माइनस 0 प्लस डिफरेंस बिटवीन कॉलम, 0 से लेकर कहां तक प्रोसीड होना है, 5 तक, इट मींस 5 माइनस 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, -4 2 मल्टीप्लाई, ठीक है बेटे, 10 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5, ठीक, इसको सॉल्व किया, -4 2 मल्टीप्लाई 55, ओके, 55 का मल्टीप्लाई करेंगे, -4 110, कितना आ गया, 106 byte आंसर हो गया, ठीक है ना।
इस तरीके से दो तरीके के स्टूडेंट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में और कुछ नहीं। हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ी गलती होगी, चेक कर लेना, वैसे गलती हुई नहीं। तो बताइए कोई किसी को कोई दिक्कत, कैसी भी किसी को कोई कोई मतलब प्रॉब्लम है कुछ, इस तरीके से हम बेटा हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इस मेमोरी एलोकेशन क्वेश्चन को इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, पर हम आगे हमारे बात करेंगे, ठीक है? ओके डन। ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो अब हम मिलते हैं 5 मिनट बाद आईपी की क्लास के लिए, ठीक है? ओके थैंक यू। और किसी की कोई अगर प्रॉब्लम है वो मुझसे पर्सनली पूछ सकता है।